हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करता हूँ संगम इलेक्ट्रॉनिक चैनल में। मैं आपका दोस्त सेफ के यहाँ चाइना पीस भी है दोस्तों, इसको मैं रिपेयर करने के लिए कस्टमर घर से लाया हूँ। इसमें का प्रॉब्लम है, जब पावर दे रहे हैं टीवी को तो इसमें बीचों बीच ट्यूबलाइट की जैसे वर्टिकल लाइन आ रहा है, यही प्रॉब्लम है। तो इसको मैं, मेरे पास पिक्चर टीवी है 14 इंच का, इसमें फिट करके आप लोगों को रिपेयर करके दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को फिट करके दिखाता हूँ। मैं आप लोगों को एक एक फाल्टा को समझाने के लिए पीसीबी को मैं घर में लाता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों को मैं आराम से समझा सकूं और आप लोग आसानी से समझ सको। चलिए, मैं ट्यूबलाइट के जैसे वर्टिकल लाइन क्यों आते हैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा दोस्तों। इस पीसीबी को रिपेयरिंग करने के लिए कस्टमर घर सुविधा नहीं थे दोस्तों, तो मुझे घर पर ही लाना पड़ा। चलिए, मैं इस पीसीबी को इस टीवी में फिट करके दिखाता हूँ। इस पीसीबी को मैं टीवी में फिट कर लिया हूँ। चलिए पावर देकर देखते हैं। मैं पावर को चालू कर लिया हूँ दोस्तों, टीवी स्क्रीन को देखेंगे। यहाँ पर टीवी स्क्रीन को देख सकते हो, बीचों बीच ट्यूबलाइट की जैसे वर्टिकल लाइन आ रहा है, यही प्रॉब्लम है इस टीवी में। इस तरह का फॉल्ट आते हैं तो सबसे पहले किस सेक्शन को देखना है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये हो गया वर्टिकल आईसी। यहाँ प्रॉब्लम वर्टिकल लाइन प्रॉब्लम आ रहा है, वो इस सेक्शन से आते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आईसी खराब हो जाने के कारण भी फॉल्ट आ सकता है, और वोल्टेज नहीं जाने के कारण भी फॉल्ट आ सकता है। और एक और प्रॉब्लम आता है दोस्तों, योक कॉइल को ध्यान देंगे, ये वाले वायर वर्टिकल लाइन का वायर है, ये वाले वायर टूट जाने के कारण भी ट्यूबलाइट के जैसे फॉल्ट आते हैं, वर्टिकल लाइन आते हैं। और ये हो गया हॉरिजॉन्टल का लाइन, और ये टूट जाने के कारण खड़ी लाइन आता है दोस्तों, सीधा सीधा वो इस वाले वायर के कारण होता है। और पीसीबी में और देखेंगे यहाँ फॉल्ट कहाँ से आए हैं, इसमें वर्टिकल लाइन का फॉल्ट आए हैं, वो योक कॉइल का नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको मैं जोड़ा हूँ, यहाँ नहीं टूटा है। और कभी कभी क्या होता है, जिस टीवी को खोलोगे ना तो टूट जाने के कारण भी यहाँ फॉल्ट आता है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ किस किस को चेक करना है। तो चलिए, मैं आप लोगों को पीसीबी को पलटा कर सभी वोल्ट को चेक करके देखेंगे। मैं मल्टीमीटर को डीसी 200 वोल्ट रेंज में रख दूंगा, इस तरह आप लोगों को भी रख लेना है दोस्तों। और मैं पावर दे देता हूं, मैं पावर को चालू कर लिया हूं। और यहां पर देखेंगे, ये हो गया 110 वोल्ट, ESD के लिए जाता है 110 डायोड में। और यहां पर दिया है दोस्तों, ये हो गया वर्टिकल आईसी का, देख सकते हो 25 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद इसको ट्रैक करेंगे कहाँ से गया है, यहाँ से होकर इधर देखेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ गया है, इसमें भी 25 वोल्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद इधर से ट्रैक करेंगे, कैपेसिटर लगाएं, इसमें भी 25 वोल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ से होकर यहाँ गया है, देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी 25 वोल्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ से होकर सीधा आईसी में गया है, इसमें भी 25 वोल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पर डायोड से होकर इसमें गया है, डायोड में भी 25 वोल्ट आ गया। उसके बाद इधर से इस लास्ट वाले में गया है, देख सकते हो दोस्तों, इसमें भी 25 वोल्ट आ रहा है। पार्टिकल आईसी में जितना वोल्ट आना चाहिए वो आ रहा है, यानी कि प्रॉब्लम कहाँ पर है दिखाएंगे, देख सकते हो टीवी स्क्रीन को, वही प्रॉब्लम है दोस्तों। मैं आप लोगों को अब डिटेल से बताता हूँ यहाँ फॉल्ट कहाँ से आए हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये वर्टिकल आईसी का प्रिंट उखड़ा हुआ है, ये तीनों का, इस कारण से वर्टिकल लाइन आ रहा है। मैं आप लोगों को बारीकी से दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है, ये भी तीनों का प्रिंट उखड़ा हुआ है, इस कारण से वर्टिकल लाइन आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पर इसका प्रिंट छोड़ दिया, इस कारण से वर्टिकल लाइन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक बार इन सभी पिनों को सोल्डिंग करके देखता हूँ। सबसे पहले मैं इस वर्टिकल आईसी के सभी पिन को सोल्डिंग कर दूंगा, क्योंकि इसमें का तीनों पिन उखड़ा हुआ है दोस्तों। इसी प्रकार आप लोगों को भी चेक करना है। आप लोगों को मैं बारीकी से इसलिए दिखाता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग
समझ सको और रिपेयरिंग करना जल्दी से सीख सको। मैं इसमें का सभी प्रिंट को सोल्डिंग कर लिया हूँ। इस वर्टिकल आईसी को मैं अच्छे से सोल्डिंग कर लिया हूँ। एक बार पावर देकर देखते हैं दोस्तों। मैं पावर दे दिया हूँ, टीवी स्क्रीन को देखेंगे, देख सकते हो दोस्तों इसमें का फॉल्ट ठीक हो गया है। वर्टिकल लाइन आ रहे थे वहाँ ठीक हो गया, अब फुल स्क्रीन आ गया है। चलिए मैं आप लोगों को एक बार वीडियो चलाकर दिखाता हूँ। ये हो गया डीटीएच, मैं डीटीएच को चालू कर लिया हूँ और टीवी स्क्रीन को देखेंगे वीडियो चलाकर। देख सकते हो दोस्तों वीडियो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी प्रकार आप लोगों को रिपेयर करना है, आप लोग आसानी से समझ सको और रिपेयरिंग कर सको, इसलिए मैं रग फॉल्ट को बारीकी से दिखाता हूं दोस्तों। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर किया करो दोस्तों। एक मिनट, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये हमारी गली में है। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक बनता है।